पोकेमोन ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोकेमोन गेमर हिंदी, जहाँ पे हम लोग पोकेमोन के इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। एंड गाइस, पोकेमोन द लास्ट फाइट के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग आ गए थे विक्ट्री रोड के पास, और अगर मैं बोलूँ ना सही सही तो हम लोग विक्ट्री रोड के अंदर भी गए थे, और थोड़ा सा रास्ता हमने विक्ट्री रोड का क्रॉस भी किया था, बट वापस में विक्ट्री रोड की केव से बाहर आ गया था। और आज भाई हम लोग कैसे भी करके विक्ट्री रोड को क्रॉस कर देंगे। और पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आप लोग में से कुछ लोगों से, मतलब सभी से सजेशंस मांगे थे कि अगर आपके पास कुछ सजेशंस है जिससे विक्ट्री रोड हम आराम से क्रॉस कर पाएंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बट ऐसा किसी ने कुछ बताया नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मैं आज क्रॉस कर लूँगा कैसे भी। और हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई अभी पोकेमोन लीग में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, अभी वहाँ पे जो एलाइट फोर की एक मेंबर है जिसका नाम है लोरेली ऐसा ही कुछ तो उसका नाम है, वो अभी मिसिंग है वहाँ पे। तो मतलब हमें पहले जाना पड़ेगा आइलैंड नंबर 1, 2, 3 जो 4 है ना, बिल के साथ जाके पहले आइलैंड नंबर 1, 2, 3, 4 का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पोकेमोन लीग में जाने का कुछ फ़ायदा होगा। तो गाइस देखो, एक बार अगर हम लोग ना विक्ट्री रोड को क्रॉस कर लेंगे तो वहाँ पे ना, मतलब हम पोकेमोन लीग के अंदर अगर एक बार एंटर हो गए तो हम जब चाहे जब हम फ्लाई करके जा सकते हैं पोकेमोन लीग के अंदर। तो पहले हम एंटर हो जाते हैं पोकेमोन लीग के अंदर, उसके बाद हम चलेंगे आईडी नंबर 1, 2, 3 पे बिल के साथ, उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा भाई विक्ट्री रोड क्रॉस करने का, हम जब चाहे जब पोकेमोन लीग में फ्लाई करके जा पाएंगे। इसके लिए पहले विक्ट्री रोड को आज क्रॉस करते हैं। तो वैसे कल के एपिसोड के अंदर मैंने थोड़ा बहुत क्रॉस किया था, वो बातें मेरे को याद है। और आज ना मैं थोड़ा रिपिल्स अपने साथ लाया हूँ, तो एक्सकर डील को मैं पकड़ने वाला नहीं हूँ फिलहाल। और इस केव के अंदर लेजेंडरी पोकेमोन्स भी है, जैसे कि लेजेंडरी पोकेमोन लैंडोरस जो कि मेरे को पिछले एपिसोड के अंदर मिला था, बट मैं उसको पकड़ नहीं पाया था और उसके पीछे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसके लिए मैंने उसको पकड़ा नहीं। वैसे बाद में कभी हम आएंगे लेजेंडरी पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए अलग से एपिसोड के अंदर, बट अभी मेरे को सिर्फ इस विक्ट्री रोड को क्रॉस करना है, तो अभी उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। और फिलहाल मेरे को रिवाइव नहीं मिल रहा भाई, कहाँ गया रिवाइव, नहीं क्या बोलते मैक्स रिपिल कहाँ है भाई, ये रहा मैक्स रिपिल, मैं नीचे चले गया था भाई, बात करते करते नीचे चले गया था, मैं भटक गया था। चलो कोई नहीं, अब इसको फटाफट इस पत्थर को लेके चलते हैं इसके असली जगह पे। वैसे इसका असली जगह यही है, बट हमें जहाँ पे लेके जाना है ना उससे हमारा रास्ता खुलने वाला है, तो इसको फटाफट लेके चलते आगे। भाई भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा यार इस केव के अंदर। अच्छा भाई, रियलिटी में नहीं होना इतना पत्थर को धक्का दे दे के भाई मेरी क्या बोलते हालत पतली हो जाती भाई, इतने पसीने निकलते कि भाई पूरे केव के अंदर पसीना हो जाता भाई। इतना मेहनत करके भाई रास्ता खोलना पड़ेगा इस केव का, बहुत मुश्किल केव है गाइस ये, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केव भी है ये। इस रास्ते से हमें चलना है और ट्रेनर बैटल से बच के रहना पड़ेगा। अगर हम हर ट्रेनर से बैटल करेंगे तो फिर भाई एपिसोड का जो लेंथ है ना, मतलब जो टाइम है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा कुछ आइडिया नहीं है इसका। तो यहाँ पे इस बाउल्डर को वापस इसके असली जगह पे लेके जाना है मेरे को फटाफट, इसको भी ये काम भी हम करते हैं। चलो भाई, काश कोई जादू की कोई निंजा टेक्निक होती जिससे एक झटके में मैं इस केव से चले जाता नेक्स्ट, मतलब पोकेमोन लीग के पास, कितना मज़ा आता ना। ओ भाई ऐसा है नहीं, ये दिक्कत है ना, होता तो मज़ा आता भाई। उस ट्रेनर को मैंने पिछली बार हराया था साची। क्या भाई यहाँ पे एक आइटम है, ये रहा एक TM-37, क्या है सैंडस्टॉर्म ही है, बहुत बढ़िया भाई कुछ तो मिला। चलो केव के अंदर आने का कुछ फ़ायदा हुआ। अच्छा भाई यहाँ पे रास्ता, ये दरवाजा बंद है। अच्छा मेरे को कुछ याद आ रहा है, एक बार नहीं मैंने बहुत बार फायर रेड खेला है, तो थोड़ा बहुत रास्ते मेरे को याद है क्या क्या करना है, थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है। पहले तो रिपिल यूज़ करना है भाई, पहले रिपिल यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे को इस केव के ऊपर थोड़ा सा आइडिया है, जो कि अभी वहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक कहीं पे ना बाउल्डर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ था जहाँ पे हमें बाउल्डर को रखने का है, और यहाँ पे ये छुटकू ट्रेनर इससे बैटल करने के लिए एक चीज़ मिलेगा। चलो इससे बैटल नहीं करेंगे, वो चीज़ को बाद में ले लेंगे कभी, और इस ट्रेनर से भी बच के रहना पड़ेगा भाई, बच के रहना पड़ेगा हर ट्रेनर से। वन मिनट, यहाँ पे भी एक रास्ता ओपन है। अरे 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 रुको भाई, रुको सबर करो। ओके, अरे Route 23, ये क्या भाई इतने जल्दी पोकेमोन लीग का रास्ता, मतलब मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। एक मिनट गाइस, ये फायर रेड का रॉम हैक है ना, मतलब इसके क्रिएटर ने इसको हैक किया फायर रेड से, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना भाई इसने ये रास्ता खोल दिया है। नहीं तो जहाँ तक मैं फायर रेड में खेला हूँ, जहाँ तक मेरे को याद है ना, ये जो रास्ता है ना, देखो ये वाला सीढ़ी क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखो यहाँ पे ना हमें एक पत्थर ला के इसके अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद शायद से ये जो ये रास्ता है, ये देखो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे ना तो ये पत्थर हट जाएगा और ये सीढ़ी खुल जाएगा, मतलब इस सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद जो होगा ना, हम ये वाला जो सीढ़ी है यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। देखो ये सब करने के बाद यहाँ से हमें जाना पड़ेगा और यहाँ से हम आएंगे, उसके बाद हमें यहाँ से जाना है
और उसके बाद ही फायर रेड के अंदर ऐसे ही खुलता है। मगर इस लास्ट फायर रेड के अंदर भाई गेम की क्रिएटर ने बहुत ही अच्छा काम किया भाई, बहुत ही बढ़िया काम किया भाई, मैं इम्प्रेस हो गया भाई गेम की क्रिएटर से, बहुत अच्छा काम किया भाई, बहुत ही अच्छा काम किया। केव्स को छोटा बनाना मतलब बहुत अच्छी बात है, केव से बहुत सारे ट्रेनर्स भाई फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मतलब बहुत गुस्सा आता है भाई उन्हें क्रॉस करने में। चलो पोकेमोन लीग के अंदर इंडिगो प्लेटियो के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा अपोनेंट रिची क्या कर रहा है पिकाचू के साथ अपने। ओ भाई वैसे भाई दिल खुश हो गया भाई केव को इतने जल्दी, पहली बार में सच बोलो ना पहली बार मैंने किसी केव को इतने जल्दी क्रॉस किया है, रियली भी बोल रहा हूँ भाई। और भाई विक्ट्री रोड को तो भाई पहली बार मतलब आज तक मैंने इतने सारे पोकेमोन के गेम्स खेले मगर इतना छोटा विक्ट्री रोड मैंने आज तक नहीं देखा। ओके अभी देखते हैं अभी अपना अपोनेंट रिची क्या बोल रहा है। ओ पीजीएच क्या हाल चाल है भाई, हाउ इज इट गोइंग, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम साइंस आई सॉ यू। वो यू फाइनली गेट ऑल द बैजेस, हाँ भाई मैंने ऑल मतलब सारी जिम बैजेस जीत लिए हैं, तेरा क्या हाल है भाई तू भी बता दे थोड़ा बहुत। सो यू आर रेडी फॉर द एलाइट फोर, हाँ भाई येस आई नीव इट बट यू गॉट अ विन दिस बैटल सो आई कैन सी इफ यू आर रेडी बट फर्स्ट आई विल हील यू पार्टी। ओके भाई वैसे मेरे पोकेमॉन्स को हीलिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने केव के अंदर एक भी बैटल नहीं किया है। कम ऑन सो मी वॉट यू गॉट, चलो भाई अभी मैंने क्या किया है क्या सीखा है कैसे मैंने आठों मतलब सभी के सभी जिमनेटर्स को हराया इसको मेरी पावर देखनी है। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा संभालते हैं और हो सके तो आइडल नंबर वन पे भी आज ही निकल लेंगे भाई। स्पार्क अटैक करते हैं फटाफट, चलो स्वेलो गया इसका, नेक्स्ट कौन है भाई जल्दी आओ। टायरेनिटार ग्राउंड टाइप पोकेमोन, मेरे ख्याल से शायद ग्राउंड टाइप पोकेमोन ही है। इसके लिए ना मैं करता हूँ एक कास्ट में इसको डायनामिक्स कर पाऊँगा सर्फ अटैक करते डायनामिक्स करके। और गाइस जो डायनामिक्स वाली ट्रिक है ना उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, अगर उसको मैं यूज़ करूँगा ना तो फिर गेम में जो मज़ा आता है ना वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, एक टाइम पे चीटिंग हो जाती है वो, इसके लिए वो ग्लिच है तो उस ग्लिच को मैं सोच रहा हूँ यूज़ ना करूँ। आप लोगों का क्या कहना है भाई इसके ऊपर, आप लोग जो कहना चाहते हो कह लो बट मैं सोच रहा हूँ कि ना यूज़ करूँ, सच बोल रहा हूँ आपसे मैं उस ग्लिच को यूज़ नहीं करूँगा। वो जो ग्लिच है ना भाई, पहले अपने पोकेमॉन को भेजो डायनामिक्स करो दो अटैक मारो फिर उसको वापस बुला लो फिर उसका एचपी उतना का उतना ही रहेगा वापस भेजोगे तो ग्लिच थोड़ा मेरे को बेकार लगा, इसके लिए मैं नहीं करूँगा और उससे थोड़ा गेम का मज़ा किरकिरा हो जाता है तो उसको यूज़ मैं नहीं करने वाला हूँ। और इसके बटरफ्ली को मैं स्पार्क अटैक से हराने की कोशिश करता हूँ, हार गया भाई बहुत बढ़िया, इसके दो पोकेमॉन को मैंने एक एक अटैक में हरा दिया और टायरेनिटार को हराने के लिए तीन चार अटैक लगे थे जो कि थोड़ा टायरेनिटार पावरफुल भी था ना भाई। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है उसका नाम मैंने देखा नहीं बट मैं ट्राई करूँगा। ओ फियर हो फालतू में मैंने पोकेमॉन स्विच किया यार, गलती हो गई, मैंने इसका नाम नहीं देखा था ना यार इसके लिए ऐसा हुआ। चलो कोई नहीं अभी मेरे पास मौका है, क्या कर रहे हैं भाई स्काई अटैक बहुत बढ़िया अटैक किया है बट मेरे पास एडवांटेज थोड़ा सा, थोड़ा नहीं पूरा एडवांटेज है। ड्रिल रन और ड्रिल पिक सुना था, ड्रिल रन कब से आ गया भाई, नया अटैक है क्या कोई, नहीं मैंने सच बोल रहा हूँ ड्रिल पिक सुना था ड्रिल रन आ गया मेरे को पता भी नहीं चला। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है चार्जार्ड, आओ भैया तुम्हारा इंतजार है। देखो मेरा पोकेमॉन अभी डायनामिक्स है और इसको ना चाहते हुए मैंने वापस बुलाया था तो देखो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस ग्लिच का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था बट भाई बाय मिस्टेकली हो गया। अब मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया भाई, एडवांटेज को देखते हुए मेरे को पोकेमॉन स्विच करना पड़ा था, अब ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सॉरी गाइस बट ये अपने आप हो गया है, मैंने कुछ किया नहीं, जानबूझ के मैंने नहीं किया, गलती से हुआ। देखो मैं एडवांटेज के साथ खेल रहा था तो ऐसा डायनामिक्स वाला जो ग्लिच है वो हो गया तो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट कौन है भाई, राइचू है क्या इसका, नहीं पिकाचू होगा, पिकाचू अभी तक नहीं आया ना बैटल में तो स्विच करता हूँ पोकेमॉन्स, जाओ भैया प्लीज़ इसको हरा के आना, हरा ही दोगे भाई तुम तो इसको आराम से। अरे चलो एक कर दो तुम, आयरन टेल कर रहे भाई, रुक जीबोक की पावर दिखा दो तेरे को पिकाचू, बहुत उड़ रहा है भाई हवा में, तेरे पंख भी नहीं है फिर भी इतना ज़्यादा उड़ रहा है, सबर कर ये लो, सबर का फल मीठा होता है और मेरे को फल तो नहीं मिला बट जीत की खुशी भी एक नंबर होती है। यू आर रियली अ गुड ट्रेनर पीजीएच, आई थिंक यू आर रेडी टू बी द न्यू चैंपियन, फॉर मी आई विल गो होम एंड आई विल कंटिन्यू माई एडवेंचर इन अनदर रीजन, वी कैन मीट वन डे, डू योर बेस्ट शो। तो अभी जो रिची है भाई कांटो को छोड़ के नेक्स्ट मतलब कोई अलग रीजन में जा रहा है और वहाँ पे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा तो लगता है ये गुड बाय है रिची का, गुड बाय हम लोग को, तो गुड बाय रिची, दोबारा किसी नए रीजन के अंदर मिलेंगे और भाई बैटल के लिए हमेशा तैयार रखना, हम तैयार रहेंगे और तू भी तैयार रहना भाई। चलो भाई अब देखते हैं क्या होता है, पहले तो पोकेमॉन्स को हील कराना मेरे को, चैंसी का क्या हाल है, ठीक ठाक हाल है, नस जो है पोकेमॉन हील करा लेते हैं। ओके और यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है भाई, कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। यो चैम्पियन द मेकिंग एट द पोकेमॉन लीग यू विल फेस द लाइट फॉर ऑल इन अ रो, इफ़ यू लूज यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, दिस इज इट गो फॉर इट। ओके अगर हम एक भी अलाइट फोर से हारते हैं
तो हमें वापस से भाई सभी के सभी एलाइट फोर को हराना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूस बैटल में एलाइट फोर के साथ करना पड़ेगा। और उस दौरान हमें कोई हीलिंग स्पॉट नहीं मिलने वाला है, बट हाँ हम आइटम्स से अपने पोकेमोन्स को हील कर सकते हैं और उनकी स्टेटस प्रॉब्लम को भी हील कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी बट यू हैव वेस्टेड योर टाइम कमिंग हियर। रोलेली ऑफ द एलाइट फोर इज एब्सेंट यू सी, हैज ए रिजल्ट द पोकेमोन लीग क्लोज फॉर द टाइम बिगिन बीइंग। अच्छा भाई तो यहाँ पे पोकेमार्टी ना, लेट मी सी, पोकेमार्टी है ये, हाँ चलो ये पोकेमार्टी, यहाँ पे फुल रिस्टोर मैक्स पोशन ये सब मिलते हैं। तो पैसों की तो कोई कमी नहीं है, मैं एक काम करूँगा पहले जो ग्लीचेस है गेम के अंदर उसकी हेल्प से जाके थोड़ा टीएम्स ले लूँगा सभी जिम लीडर से, उसको बेचने के बाद थोड़े पैसे कलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे आके कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स खरीद लेंगे, फिर भाई पोकेमोन लीग में जाएंगे एलाइट फोर को चैलेंज करने के लिए। वैसे यहाँ पे अब मैं कभी भी चाहूँ तो फ्लाई करके आ सकता हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। वैसे अगर नहीं भी आ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो विक्ट्री रोड का केव है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। मैंने अभी तक भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा विक्ट्री रोड का केव होगा। तो अभी मेरे को बिल के साथ जाना है, बट एक बार मेरे को ट्राई करने दो, क्या मैं जा सकता हूँ फ्लाई करके इंडिगो प्लेटू के अंदर वापस? मैं श्योर, हाँ मैं 100% श्योर हूँ, अभी मेरे को धोखा नहीं देगा। चलो भाई अब हम जब देखो जब चाहे जब यहाँ पे फ्लाई करके आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले सोचा कि विक्ट्री रोड को क्रॉस कर लेते, उसके बाद कोई टेंशन नहीं देगा भाई। मेरे को लगा था ना कि विक्ट्री रोड का केव बहुत बड़ा होगा, बट मैंने कभी मतलब सोचा ही नहीं था भाई, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्ट्री रोड का केव इतना छोटा होगा भाई, सच में। चलो बिल पोकेमोन सेंटर के अंदर आराम कर रहे हैं ना, इससे बात करते हैं। हे यू कीप मी वेटिंग, रेडी टू सेल टू वन आइलैंड? हाँ भाई चलो चलते हैं। वेल दैट्स इट, लेट्स गो। चलो भाई चलते हैं अभी बोट के अंदर और वहाँ से चलेंगे आइलैंड नंबर वन पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक नई एडवेंचर की शुरुआत होने वाली है हमारे लिए। लुक लाइक्स माई पाल्स बोट अराइव टू, ही सेंट इट स्पेशली हेयर टू सिनेमा टू पिक मी अप। इसके फ्रेंड की ये बोट है जिसने उसको यहाँ पे भेजे सिनेमा आइलैंड के ऊपर स्पेशली बिल को पिक करने के लिए। ओके नो प्रॉब्लम ब्रो। अब बिल कुछ बोल रहा है यहाँ पे, हियर वी आर, दिस इज़ वन आइलैंड। तो हम लोग आ चुके हैं वन आइलैंड पे, देर आर सेवरल आइलैंड्स अराउंड हियर, यहाँ पे कुछ और भी आइलैंड्स हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, ये उनमें से एक ही। माई फ्रेंड सी लियो सेंड द बोट टू फेच मी हियर। तो उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है सी लियो, उसने बोट को भेजा इसको यहाँ पे बुलाने के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। हियर ही इज़ इन चार्ज ऑफ द आइलैंड स्पीसी नेटोबाइस लोनसम, वाई एम आई टेलिंग यू दिस नाउ, लेट्स जस्ट गो टू सी लियो। तो जो सी लियो है ना भाई, वो आइलैंड्स का जो पीसी सिस्टम है ना वो कंट्रोल करता है, मतलब वो पीसी सिस्टम का इंचार्ज है। जैसे बिल ने पीसी सिस्टम क्रिएट किया है अपने मतलब कांटू के अंदर, वैसे ये आइलैंड्स के ऊपर का जो पीसी सिस्टम कंट्रोल करता है वो है सी लियो, इसका फ्रेंड। हे दे सी लियो, बिल बोल रहा है अपने दोस्त को, कैसा है भाई तू? ओके सी लियो ने ध्यान दिया इसके ऊपर, बिल आई कांट बिलीव यू केम आउट हियर। तो इसके फ्रेंड को यकीन ही नहीं हो रहा है कि बिल यहाँ पे आया है, क्या बात है भाई। लगता है बिल इससे साल में एक बार मिलने आते गाइस। अब देखते हैं, ओ वेट अ सेकेंड पीजे, दिस इज़ माय बडी सी लियो, ही इज़ ऑन डेडिकेटेड पीसी मैनिक। सी लियो दिस इज़ पीजे, अ राइजिंग कंटेंडेंट, हैज अ पोकेमोन चैम, दैट्स रियली इम्प्रेसिव, आई हेट टू सी इट बट आई हैव जीरो एप्टीट्यूड फॉर बैटलिंग, एनीवेज आई एम ग्लैड टू मीट यू, सो ब्रिंग मी अप टू स्पीड, हाउ इज योर मशीन रनिंग? It's running fine, but we are too remote out here. The PCs on this island just can't link with your PC bill. Oh yeah, okay, let me take a look, see. Hang on there, I think we can make it work. Let me help you, okay? PJ, can I get you to wait for me just a bit? Actually, can I get you to do me a favor? This island next to this one's called Two Island. There's a guy there that runs a game corner. He has this thing for rare rocks and gems. We keep in touch, feel being fellow maniacs. So can I get you to deliver this meteorite to him? Meteorite from Bill. PJ, if you are going to islands, please take this. Try pass mila hai mere ko bhai. Aur Bill ne mere ko ek kaam karne ko bola. Yahan pe island number 2 pe ek game corner hoga. Us game corner ke andar ek banda hai jisko hame kuch dena hai. Isne kuch abhi parcel diya hai. तो अभी लेके चलते हैं टू आइलैंड के ऊपर, उसको दे देंगे। तो यहाँ पे क्या, इट्स अ पास फॉर द फेरी सर्विस सर्विसिंग द लोकल आइलैंड्स, इट विल लेट यू ट्रैवल बिटवीन द आइलैंड्स 1, 2 एंड 3। ओ यू शुड हैव दिस टू, एक्स्ट्रा पेज फॉर द टाउन मैप। अच्छा भाई, आई विल कैच यू लेटर, से हाई टू द गाय फॉर मी।
तो अभी बिन ने मेरे को एक काम करने को बोला है जो कि हमें आइलैंड नंबर टू के ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ पे गेम कॉर्नर में एक बंदा होगा जिसको हमें कुछ देना है, और बिल के जो दोस्त है सीलियो उसने हमें दे दिया है एक टाउन मैप, जिससे हम अगर अब हमें ना जो आइलैंड से ना उसकी जो टाउन मैप के अंदर जो होगा ना, मतलब एक मिनट दिखा दी तो आप लोग को बोलूँ क्या, हम समझ में ना रहे। देखो यहाँ पे आइलैंड 1, 2, 3, 4 जो भी है ना, इस सभी भी अपने मैप के अंदर ये सब भी लोकेशंस ऐड हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई ये। और इसने हमें ट्राई पास भी दिया जिससे अब हम ना बोट का जो है ना, अब हम 1, 2, 3, 4 आइलैंड पे जा सकते हैं, यानी 1, 2, 3 आइलैंड पे जा सकते हैं। चलो अभी आइलैंड नंबर 2 पे हमें जाना है, एक मिनट, आइलैंड नंबर 2 पे जा रहे हैं अभी हम। ये आइलैंड नंबर 2 है क्या भाई? हाँ, 2 आइलैंड। चलो भाई, हे पीजीएच, अरे भाई, आई न्यू यू हुड कम फ्रॉम हियर, आई एम सॉरी फॉर द लास्ट टाइम, आई डिडंट हैव टाइम टू थैंक यू, यू डिड अ गुड जॉब, थैंक्स टू यू टीम मैग्मा एंड टीम एक्वा लेफ्ट द रीजन, माई मिशन इज फाइनली फिनिश एंड आई कैन गो होम, बट वी हैव वन लास्ट बैटल टू डू पीजीएच, सो गेट रेडी टू मीट माई न्यू टीम। अरे भाई, डोंट वरी, आई विल हील यू पार्टी। चलो भाई, ब्रैंडन ने हमारी पोकेमॉन्स को हील कर दिया है, अब ये भी मेरे से बैटल करेगा। दिस इज अवर लास्ट बैटल, डू योर बेस्ट पीजीएच। अरे भाई, ब्रैंडन का लास्ट बैटल ये। ओ ब्रो, अभी हमने गुड बाय बोला अपने एक फ्रेंड जिसका नाम है भाई, इसके ऊपर फाइटिंग टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव होंगे, पहले वो देखते हैं। भाई हमने रिची को भी गुड बाय बोला, वो भी जा रहे हैं भाई, मतलब वो भी नए रीजन के अंदर गए ट्रेनिंग करने, और अभी ब्रैंडन भी हमें गुड बाय बोल रहे हैं। क्या भाई, एक एपिसोड के अंदर दो लोग ने गुड बाय बोला, काफ़ी बुरी बात है यार, मेरे दो दोस्त चले जाएंगे मेरे को छोड़ के दूसरे रीजन के अंदर। भाई यार, बहुत बुरा लग रहा है सच में, आई एम फीलिंग, अब क्या बताऊँ भाई, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं कितना बुरा फील कर रहा हूँ भाई, दिल से बुरा लगता है यार जब दोस्त छोड़ के जाते हैं, सच बता रहा हूँ। वैसे अब क्या कर सकते भाई, जाना है तो इन्हें जाने देते, रोक भी नहीं सकते हम, कुछ कर भी नहीं सकते, बट भाई अब इन्हें एक अच्छा बैटल देते जो इन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा, और इस बैटल से ब्रैंडन हमें हमेशा याद रखेगा। करते हैं अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व, जिससे बन जाएगा मेगा चार्जर एक्स, और अभी मेगा चार्जर एक्स बना के इसके ऊपर करते हैं प्लेम थ्रोर यूज़। और आज हमने दो ट्रेनर्स को गुड बाय बोला है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट फिर भी कंट्रोल करना पड़ता है। अब भाई मैं यहाँ पे रो तो नहीं सकता हूँ चिल्ला चिल्ला के, इसके लिए कंट्रोल योर सेल्फ ब्रो, मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ, आप लोग भी कंट्रोल करना। चलो, इसका डायनेमिक्स टूट चुका है, इसको हम हरा देंगे आइग्रॉन को। नेक्स्ट को नहीं भाई, जल्दी आओ, नहीं जल्दी मत आओ, धीरे धीरे आओगे तो आज चलेगा, क्योंकि भाई ब्रैंडन को मैं इतना जल्दी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो स्नोरलैक्स भैया आ जाओ, धीरे धीरे आओ, कोई टेंशन नहीं, आज कोई घाई नहीं करेंगे हम, जैसे आया वैसे ही उठ रहा। अरे, इसके पास लैटियास, लेजेंडरी पोकेमोन, कहाँ से मिल गया भाई? अरे मेगा लैटियास, ओहो, अरे मतलब इसके लिए इसने बोला मेरी नई टीम से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। इसकी नई टीम तो वाकई में भाई धासू है एक नंबर की। स्नोरलैक्स से ऊपर क्या करूँ मैं, क्या करूँ, फ्लेम थ्रोर करता हूँ। अरे भाई क्या यार, वेलॉर्ड, ओहो माई गॉड, इतना भारी भरकम पोकेमोन, और ऊपर से ये, इसके लिए ना मेरे को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन चाहिए जो कि मेरा लाइट है, इसको मैं डायनेमिक्स भी कर सकता हूँ तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जा, मत फेंड मत होना, अच्छा फेंड नहीं हुआ तू, डायनेमिक्स कर लेते हैं वरना फिर ये तो हमारी वाटी लगा देगा भाई। कर भाई मैक्स लाइटनिंग, फेंड कर दिया इसको तू कैसे भी करके, बहुत बढ़िया भाई, वेलॉर्ड को हमने फेंड कर दिया आज। चलो नेक्स्ट कौन है भाई, जल्दी आओ, नहीं जल्दी मत आओ भाई, देर से आओ थोड़ा। स्नोरलैक्स मत आ यार, तू तो आराम से आ, तू तो वैसे भी बहुत स्लो है। मैक्स डार्कनेस करूँ क्या, करते हैं, फुल रिस्टोर यूज़ कर लिया भाई, इसकी प्लानिंग कर रहा था ये। मैक्स डार्कनेस से इसको इफेक्ट तो बहुत अच्छा पड़ा है और डैमेज दिया है इसको, इस बार मैक्स लाइटनिंग ट्राई करेंगे, फेंट नहीं हो रहा ये, नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, बट अभी फेंट हो गया। चलो ब्रैंडन को गुड बाय बोलना यार, जोरोर्क इसने इस बार मतलब कॉपी नहीं किया किसी को, जोरोर्क डार्क टाइप पोकेमोन है ना, और उसके लिए मैं करता हूँ बग टाइप अटैक, डार्क टाइप पर सुपर इफेक्टिव होती है क्या, जोरोर्क को भेजा, अच्छा इसने किया है, ये किया है, विंग अटैक करूँगा ये, फ्लाइंग टाइप पोकेमोन सेप्टाइल, एक्सीजर करते हैं हम, एक ही अटैक में फेंट, और इल्यूजन था जोरोर्क था, वैसे मैंने नाम पढ़ लिया था तो फिर दिक्कत नहीं हुई मेरे को। अब है इसके पास सेप्टाइल जो कि भाई मेरे मेगा चार्जर एक्स से बैटल करेगा, और इस बार इसने अपने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने मेगा लैटियास को मेगा इवॉल्व कर मतलब लैटियास को मेगा इवॉल्व कर दिया था, तो सेप्टाइल को भी मैंने एक ही अटैक में हरा दिया। और फाइनली गाइस, गुड, ब्रैंडन हमें बोल रहा है बहुत अच्छे भाई, तो ब्रैंडन हारने के बाद 7,000 रुपया दिया मेरे को और बोल रहा है व्हाट अ ग्रेट बैटल,
आई थॉट आई हैव द बेस्ट पोकेमॉन फॉर एनी टीम बट दैट्स नॉट ट्रू आई ऑल्सो नीड टू फॉलो माई ड्रीम टू बी द बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर इन द वर्ल्ड आई विल डू माई बेस्ट फॉर योर आवर नेक्स्ट बैटल आई एम गोइंग होम नाउ इट्स वॉज अ प्लेजर टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू डोंट फर्गेट टू कम टू द हुवेन रीजन समडे आई विल वेट फॉर यू तो ब्रैंडन भाई ब्रो यार बहुत दुख लो मतलब बुरा लग रहा है ब्रैंडन ने हमें गुड बाय बोला और वो गुड बाय बोल के चले गया है हुवेन रीजन के अंदर और ब्रैंडन ने हमें इन्वाइट किया कि हम हुवेन रीजन के अंदर जब भी आएंगे मतलब हम हुवेन रीजन के अंदर आए और उससे मिले तो भाई अभी क्या बोले यार ब्रैंडन भैया छोड़ के चले गए हमें और यहाँ पे आइलैंड नंबर अभी देखो भाई ब्रैंडन गया तो मेरे को सच में बुरा लग रहा है और रिची भी आज हमें छोड़ के गया तो मेरे को सच में बुरा लग रहा है बट अभी इस बातों को भूलते हैं थोड़े टाइम के लिए और भाई भूल तो नहीं सकते बट थोड़े टाइम के लिए इसको भाई साइड में रख देते हैं अभी हमें गेम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा बट मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है भाई आप लोगों को बुरा लग रहा है कि नहीं कमेंट करके बताओ यार भाई यार चलो यहाँ पे ये गेम कॉर्नर है क्या एक मिनट नाउ वेयर्स लॉस्टली गॉट इन टुडे सी ऑलवेज ब्रिंग्स मी लंच एवरी डे राइट अबाउट नाउ यही है क्या हम यू देर आर यू ए फ्रेंड ऑफ लॉस्टली Have you seen Lostly around? I don't know where she might be. She shouldn't been here long ago. Lostly a cutie. She got my looks. So what if some things happened to my Lostly? Please help me find her. Please go to search Three Island. Huh? What is this game corner? How much shader can this get? Those clones. They said they'd be waiting on the island. So there are they. Hey, you. Is this the only three island around here? Try waking up before you crawl out of bed, was you punk? This is two island. Move it, get your flitty motorbike out of my place. Huh? Oh, Kocha. Tee, these islands are confusing. Will you look at that? That punk surfaced up my floor. तो भाई मैं यहाँ पे आया था बिल के आई एम सॉरी वी आर नॉट रनिंग एनी गेम्स टूडे ये बिल का दोस्त है क्या हे बट लिसन आई एम बेगिंग यू यू हैव टू गो टू द थ्री आइलैंड इफ एनीथिंग वेयर टू हैपन टू माई लॉस्टली माई प्लेस इज द हाउट विद द रेड रूफ ऑन थ्री आइलैंड सी मे जस्ट सो अप लेट हियर सो आई कांट रन ऑफ एनी वेयर दैट्स वाई आई हैव टू गेट यू टू डू मी दिस बिग फेवर तो अब लॉस्टली नाम की एक लड़की है और वो थ्री आइलैंड के ऊपर गई है और ये बंदा भाई बिल का दोस्त मेरे को लगता है यही है उसने गेम कॉर्नर बोला था तो गेम कॉर्नर तो यही है और यही है ना भाई गेम कॉर्नर स्किप एंड चॉम जॉयफुल गेम कॉर्नर तो गेम कॉर्नर के अंदर जो बिल का दोस्त होगा यही होगा भाई तो अब ये भाई मेरे से मतलब एक टाइम पे बोले ना तो ये मेरे को मतलब बेगिंग मतलब भीख मांगना होता है तो ये मेरे से भीख मांग रहा है कि मैं थ्री आइलैंड पे जाऊँ और इसकी जो भी है लॉस्टली उसको ढूंढूँ और ढूंढने के बाद इसके पास वापस लेके आओ उसके बाद ही हमारा काम करेगा तो गाइस बिल ने मेरे को भेजा टू आइलैंड नंबर टू पे अब इसका दोस्त मेरे को भेज रहा है आइलैंड नंबर थ्री पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई ये स्टोरी चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही करेंगे आइलैंड नंबर थ्री पे कल जाएंगे वैसे आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ किया है हमने भाई मतलब बहुत कुछ से मेरा मतलब ये कि हमने बहुत मतलब सैडेस्ट चीज़ें हुई आज हमारे साथ भाई मेरे को दो दोस्त को अलविदा बोलना पड़ा भाई मेरे दोस्त रिची को और मेरे दोस्त ब्रैंडन को बट कोई बात नहीं भाई दोस्ती में ऐसे दोस्त आते रहते हैं जाते रहते हैं फिर हम उनसे बाद में मिलते भी रहते हैं सो गाइस एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत और अगर आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियोज़ देखनी है तो भाई फटाफट कर दो चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पे आपको गेम प्लेस एकदम इंटरेस्टिंग ऑसम एंड अमेजिंग मिलने वाली है हाँ कुछ हो सकती है जो आपको पसंद ना आए बट हाँ फिर भी ज़्यादातर अच्छे कंटेंट ही आपको यहाँ पे मिलने वाले तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर देना भाई कितने बार मैं आपको बोलता हूँ लाइक कर देना प्लीज़ और हाँ कुछ खराब लगा होगा तो डिसलाइक करके मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या खराब लगा है बल्कि आज के लिए इतना ही कल मिलेंगे एक और नए एपिसोड के अंदर तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को